जो मोहिनी मूर्ति की जो लीला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कल के चर्चा में देखा किस तरह से मोहिनी मूर्ति ने असुर को मोहित कर दिया था, और यह जब शिवजी ने सुना तो शिवजी की इच्छा हुई कि मुझे ये जो विलक्षण रूप है वो भगवान का दर्शन करना है मुझे। तो इस विषय पे ये शिवजी और मोहिनी मूर्ति जो लीला है इसके दो विभाग में आज और कल चर्चा करेंगे। तो आज के इसमें मैं इस पे जोर दूंगा कैसे हम जब इच्छा करते हैं वो इच्छा हमारे क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, और जो कार्य होता है वह कार्य कुछ भी होता है उसका एक कारण नहीं होता है, उसके अलग अलग स्तर पे कारण हो सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कौन सा कार्य किस कारण से हो रहा है। तभी शिवजी की जब इच्छा होती है कि मुझे भगवान का यह रूप दर्शन करना है, तो वास्तव में शिवजी की ये भौतिक इच्छा नहीं है, एक आध्यात्मिक इच्छा है कि भगवान का ही दर्शन करना है मुझे। भगवान ने लक्षण रूप में अवतार किया है तो मुझे वो दर्शन करना है। और जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई नया मंदिर बन गया है तो मंदिर में देखने जाते हैं मंदिर को, तो अपने परिवार को अपने मित्र को सब साथ लेके जाते हैं। तो वैसे ही शिवजी अपनी भार्या को उनके सारे सहयोगी जो भूत प्रेत थे उन सबको साथ लेके वे वहाँ चले जहाँ विष्णु रहते हैं, और उनसे उन्होंने निवेदन किया कि आपने जो दर्शन दिखाया था मुझे दिखाओ। तो जब इस तरह से वो इस इच्छा से गए तब उस इच्छा में कोई दूषण नहीं था। क्या होता है कि हम जब कार्य करते हैं तो हर कार्य या तो बाहर से कोई जिम्मेदारी होती है, कोई ज़रूरत होती है उसके कारण होता है, या फिर हमारी इच्छा होती है इसलिए वो कार्य होता है। कभी कभी जिम्मेदारी और इच्छा एक होती है, कि जिम्मेदारी और इच्छा एक नहीं होती है। कभी कभी कोई व्यक्ति को ऐसे नौकरी होती है उनको अच्छी लगती है नौकरी तो वो इच्छा भी है नौकरी करने की, पर कोई कोई ऐसा काम होता है उनको अच्छा नहीं लगता है, पर जिम्मेदारी है वो करने पड़ती है। तो अभी हम जब कार्य करते हैं तो उसका जो प्रेरक होता है जो कार्य करने का, वो तो बाहर से आ सकता है परिस्थिति से या अंदर से आ सकता है मनस्थिति से। इन दोनों से हमारे कार्य की शुरुआत हो सकती है। जब इस तरह से कार्य की शुरुआत होती है तो न तो परिस्थिति एक समान रहती है न मनस्थिति एक समान रहती है, दोनों बदलते रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे अजामिल वह जब बाहर गया और तभी कुछ भोग का भाव नहीं था उसको, वो केवल अपने पिता के जो पूजा थी उनका यज्ञ था उसके लिए कुछ सामग्री लाने के लिए जंगल में गया था। तो जो इच्छा थी मनस्थिति जो थी क्या थी कि मुझे धार्मिक कार्य में मेरे पिता की सेवा मदद करनी है, पर वो किस परिस्थिति में गए वहाँ पे परिस्थिति जो थी कि उस समय वहाँ पे कुछ बड़ा ही इंद्रधुक्ति का अश्लील दृश्य वहाँ पे देखा। तो क्या हो गया, वो जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति से क्या हो गया, अजामिल की मनस्थिति बदल गई। जो इच्छा तो शुद्ध थी पर वो परिस्थिति के द्वारा वो मनस्थिति बदल गई, और जब मनस्थिति बदल गई तो क्या हो गया, वो कुछ देख लिया उसके द्वारा इच्छा बढ़ने लग गई और वो इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि वो सब धर्म को भूल गए, कर्तव्य को भूल गए, सब कुछ भूल गया अजामिल। तो हमेशा हमें केवल कभी कभी कहते हैं कि हमारी इच्छा शुद्ध होनी चाहिए, इच्छा शुद्ध होना ज़रूरी है, पर इच्छा शुद्ध होते हुए भी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी परिस्थिति में जा सकते हैं और वहाँ पर शुद्ध इच्छा रहेगी। हम सबकी क्षमता होती है। तो एक और उदाहरण देखेंगे हम मनस्थिति और परिस्थिति का, कि जो महाभारत रामायण में उदाहरण आता है सुग्रीव का। सुग्रीव जो जंगल में था तब उन्होंने राम जी से संधि की और उनसे कहा कि अगर मुझे मेरा राज्य मिल जाएगा तो फिर मैं आपको सीता प्राप्त करने में सीता को ढूंढने में मदद करूँगा। तो वो उनकी मनस्थिति तो बड़ी स्थिर थी कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, पर उसके बाद में जब राज्य प्राप्त हो गया तो उसके तुरंत बाद बारिश चालू हो गई। जब बारिश चालू हो गई बड़ी बड़ी तेज़ी से बारिश चालू हो गई, और ऐसे कुछ कहते हैं रामायण के आचार्य क्योंकि उस समय क्योंकि इंद्र का वध हो गया था सॉरी इंद्र के पुत्र का वध हो गया था। इंद्र के पुत्र कौन था,
वाली. सुग्रीव ये सूर्य का पुत्र था, इंद्र ये वाली ये सुग्रीव इंद्र का पुत्र था. तो इसीलिए क्रोध के कारण इंद्र ने बहुत ही तेज वर्षा कर दी उस समय. और साधारणतः अगर कोई किसी का बेटा घूम गया है कि कैसे कोई रिश्तेदार घूम गया है तो कितनी भी बारिश हो गई हम बाहर जाएंगे ढूंढने को. तो भगवान राम क्यों रुक गए? क्योंकि एक तो था कि वो ढूंढना भी है पर कहाँ ढूंढना है कहीं पता ही नहीं है. और रावण कहीं दूर बहुत दूर लेके गए होगा रावण. पर उससे महत्वपूर्ण बात है कि बारिश इतनी हो गई थी कुछ करने का संभावना ही नहीं थी तभी. तो बारिश भी इतनी हो गई तो उस बारिश में भी कुछ करने को है नहीं. तभी क्या हो गया, सुग्रीव अभी बहुत सालों तक जंगल में बड़ा तपस्या का जीवन जी रहा था और फिर इंद्रिय भोग की उसको अभी राजा बन गया. तो राजा के रूप में बहुत सी सामग्री थी इंद्रिय भोग की. तो वो परिस्थिति आ गई, परिस्थिति में पूरी मनस्थिति बदल गई. तो देयर इज सिचुएशन एंड देयर इज डिस्पोजिशन, कि जो हमारा मन का भाव है और हमारी परिस्थिति है. तो अभी क्या होता है, कई बार हमारी मनस्थिति एक होती है पर परिस्थिति बदल जाएगी तो मनस्थिति बदल जाती है. और फिर क्या हो गया, वहाँ पे वो पूरी तरह से भूल गया. और चार महीने खत्म भी हो गए चतुर्माह से, बारिश खत्म भी हो गई, फिर भी भोग में ही लगा रहा. तभी श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को भेजा. और फिर जब लक्ष्मण ने याद दिलाया कड़े बड़े क्रोध से, तभी चौंके, क्या हो गया, कैसे कैसे हो गया मुझसे. उसने कहा, उसके पहले तारा और हनुमान ने उसको चुनाव चेतावनी दी थी और उसने वानरों को लाने की योजना चालू भी कर दी थी, पर वह पुनः मोह में पड़ गया था. तो अभी क्या हो गया, क्योंकि उस परिस्थिति में भी कोई उससे बात करने आ गया, वो बात उससे सुन ली उन्होंने. जब लक्ष्मण ने बात की बड़े क्रोध से, गंभीरता से, तो उसने बात सुन ली. इसके विपरीत अजामिल ने किसी की बात नहीं सुनी. और अजामिल ने सब कहा गया कि वो उसने न केवल वो विवाहित था, उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, उसने अपने वृद्ध माता पिता को त्याग दिया. अभी वो ब्राह्मण परिवार में था तो अभी ब्राह्मण बाकी वरिष्ठ ब्राह्मण भी हो गए बाकी, उन सबने बोला आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, पर उसने किसी की बात मानी नहीं. तो कभी कभी ऐसे होता है कि परिस्थिति के द्वारा हमारी मनस्थिति बदल जाती है, पर अगर अच्छा संग हमें मिलता है तो पुनः हमारी मनस्थिति ठीक हो जाती है. पर कभी कभी वो परिस्थिति के द्वारा मनस्थिति इतनी बदल जाती है, इतने मोहित हो जाते हैं हम, कि फिर उसके बाद में वो मनस्थिति ठीक होती ही नहीं है. उसके लिए बहुत समय लग गया, कई साल बीत गए. जब मृत्यु के शैया पर आ गए हैं तभी ये क्या हो, तभी ना उसने विष्णुदूत और यमदूत का संवाद देखा, तभी उसके बाद में उसकी मनस्थिति बदल गई. तो अभी हम देखते हैं कि मनस्थिति और परिस्थिति दोनों में एक कंटिन्यूस, एक हमेशा एक आदान प्रदान होते रहता है. आदान प्रदान मतलब एक दूसरे को प्रभाव करते हैं, दूसरे पहले को प्रभाव करती है. कभी कभी ऐसा हो सकता है, अभी हम देखते हैं कि किसी मनस्थिति स्थिर है. दूसरा उदाहरण देखें कि हनुमान जी हम देखते हैं लंका में गए और लंका में उनको सीता को ढूंढना था. सीता को कहाँ ढूंढेंगे, ढूंढना ही है तो वो वहाँ पे जो रावण के महल के अंदर के कमरे थे, जो स्त्रियों के कमरे थे, वहाँ पे जाके वो ढूंढने लगे. उनको स्त्री ढूंढना है तो स्त्री वहीं पे होगी. और वहाँ पे रावण ने बहुत भोग किया था और भोग करके वो सो गया था. तो फिर वहाँ पे कई जो स्त्रियाँ थी जो अच्छी वस्त्र उचित वस्त्र पहने हुए नहीं थी. जब हनुमान ने देखा ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए. पर फिर उसने सोचा ये अलग गलत कार्य है, पर फिर उसने सोचा कि मेरी इसके द्वारा मनस्थिति विचलित नहीं हुई है, मुझे ये प्रभु श्री रामचंद्र ने सेवा दी है और मुझे सीता को ढूंढना है और कहाँ ढूंढूंगा मैं. तो फिर चौकन्ने होकर पुनः वो आगे कार्य करने लगे. तो यहाँ पे क्या था कि उनका जो स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस था, जो उनका उद्देश्य का शक्ति थी, उद्देश्य का उद्देश्य था, वो दृढ़ संकल्प था. तो एक है सिचुएशन, दूसरा है डिस्पोजिशन और तीसरा है इंटेंशन, कि जो मनस्थिति और उद्देश्य अलग अलग चीज़ें हैं. तो कभी क्या होता है, हमारे मनस्थिति के द्वारा हमारा उद्देश्य बदल जाता है. हमारा उद्देश्य होता है कि मुझे सुबह उठना है, पर सुबह उठ जाते हैं तो थकान लगती है, आलस लगती है, ठंडी लगती है और सो जाते हैं. वो परिस्थिति से हो सकता है, मनस्थिति से हो सकता है. तो क्या होता है, दोनों के ऊपर परिस्थिति ये एक भौतिक स्तर पे है, भौतिक शारीरिक स्तर पे है. मनस्थिति ये भी भौतिक स्तर पे है, पर मन के स्तर पे है. पर उसके परे आत्मा है और आत्मा का उद्देश्य होता है.
तो अभी यहाँ पे इस लीला में क्या हो रहा है, ये तीन उदाहरण हमने देखे अब तक कि कैसे परिस्थिति और मनस्थिति हमारे उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे जो उद्देश्य था वह क्या था कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान का दर्शन करना है। और दर्शन भी सेवा भाव से ही था। भक्त सारांश ठाकुर कहते हैं कि जब भगवान का दर्शन करते हैं तो वास्तव में हमारा भाव होता है कि भगवान मेरा दर्शन करे, भगवान मेरा दर्शन ही भगवान मुझे अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करे कि भगवान मुझे देखे। जब मैं उनका सेवक हूँ, उनके सामने आया हूँ, हम जरूर हमारी आँखों से भगवान की सेवा करने जाते हैं उनका दर्शन करके, पर भगवान हमारे हमें देखे यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाँ सेवा भाव के साथ। जब ऐसे होता है तो फिर भगवान की कृपा हमको मिलती है। तो जब शिव जी गए वहाँ पे तो उनका उद्देश्य जो था वो भगवान का दर्शन करना था। उनका उनकी मनस्थिति भी जो थी वो एक भक्तिमय थी, भक्ति से उनके चितना भरी दिख गए। यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान जो शिव जी होते हैं वो माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, वो वास्तव में दिव्य है। तो अभी यहाँ पे जब उन्हें शिव जी ने कहा विष्णु से कि मुझे आपके मोहिनी रूप का दर्शन करना है, तो तभी क्या हो गया, जब उन्होंने ऐसे सुना तो शिव जी भगवान ने ठीक है आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तो अभी क्या होता है कि यह जो इच्छा में से कहा शुरुआत में हमारी इच्छा हमारे क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, प्रभुपाद जी को कुछ शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने इतने से समय में इतना प्रचार कर लिया सारे विश्व भर, आपने एक कृष्ण भावना संघ को बढ़ा दिया है, तो हम भी क्या इसे बढ़ा पाएंगे। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान सारी दुनिया आपको 18 दिन में दे सकते हैं पर अभी तक आप तैयार नहीं हो। मतलब तैयार नहीं हो मतलब क्या है कि कई बार अगर हमें कुछ मिल जाता है तो जो भी भौतिक चीज़ें हमें मिलती है उनको उनसे आसक्त न होने के लिए एक शुद्धता चाहिए। वो शुद्धता अगर नहीं है, जितनी भौतिक चीज़ें मिल जाती है वो उसके द्वारा हम और मोहित हो सकते हैं। मैं एक भक्त मुझे जोक बता रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मैं आपसे ही आ सकता हूँ, मैं भौतिक चीज़ों से आ सकता नहीं होऊंगा, कृपया आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं उससे आसक्त नहीं हो रहा। तो अगर हमारी सेवा के लिए ज़रूरी है और हमारे भक्ति के अनुकूल है, भगवान हमें कुछ भी दे सकते हैं, तो क्या है हमें भगवान की सेवा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कि भगवान की सेवा के लिए कुछ हमें सुविधा चाहिए, कुछ सामग्री चाहिए, वो एक तरह से ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी सेवा भाव है। तो अगर वो सेवा भाव अगर किसी सेवा के द्वारा किसी सेवा के लिए सामग्री प्राप्त करें उससे कम हो रहा है तो फिर हमें चौकन्ना होना चाहिए। तो यहाँ पे जब शिवजी गए वहाँ पे तो भगवान ने स्मित किया और एकाएक उनके सामने ही शिवजी जो है शिवजी के सामने ही वहाँ पे भगवान अदृश्य हो गए। और फिर वो इधर देख रहे थे तो वहाँ पे शिवजी को एक बड़ी ही सुंदर युवा स्त्री दिखी और वो किसी गेंद के साथ खेल रही थी, ऊपर फेंक रही थी, पकड़ रही थी, और वो इतनी आकर्षक स्त्री थी शिवजी उससे पूर्णतया आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। और जब इस तरह से मोहित हो गए तो फिर वो स्त्री ने उनकी ओर देखा और जब देखा तो उनको थोड़ा स्मित किया और चली गई आगे। तो अभी ये स्मित करने का मतलब क्या है कि वो जब उसको देखा तो वो भाव ये था कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू, कि मुझमें भी आपको रुचि है, इसलिए आपकी ओर देख के मैं हासिल। तो क्या हो गया, शिव जी तुरंत उसके पीछे भागने लग गए। और अभी क्या होता है यहाँ पे कि हम सब में कुछ नेक इच्छाएं होती है, कुछ हम सब में एक दैवी प्रवृत्ति होती है, एक असुरी प्रवृत्ति होती है। तो कई बार जो हमारी जो नीची की प्रवृत्ति होती है वो हमारे परिस्थिति के द्वारा हम संयमित करते हैं कि अभी लोग क्या कहेंगे इसके द्वारा, इसके कारण कभी कभी हम अच्छा कार्य भी नहीं करते और कभी कभी बुरा कार्य भी नहीं करते। उसका प्रभाव अलग अलग से हो सकता है कि कोई नया भक्ति में आता है तो फिर अगर हरिनाम कीर्तन हो रहा है तो रास्ते के यहाँ पर कैसे नाचूंगा मैं, लोग क्या कहेंगे, क्या कर रहे हो तुम ये, तो कभी लोग क्या कहेंगे इससे हम अच्छा कार्य करने से भी रुक सकते हैं। पर अगर हम एक धार्मिक समाज में रहते हैं, धार्मिक संघ में रहते हैं, तो फिर
तो लोग क्या कहेंगे, इसके कारण हमें क्या होता है, हम गलत कार्य नहीं करते. तो यह समाज का प्रभाव हमसे अलग अलग पर अलग अलग पद्धति से हो सकता है. पर यहाँ पे जब वो अपने अपने अनुयायियों के साथ थे, अपनी पत्नी के साथ थे, और तभी ये मोहिनी मूर्ति इतनी आकर्षक थी कि सब कुछ भूल गए और सीधा उसके पीछे भागने लग गए. और जब भागने लग गए तो क्या हुआ, भागते अभी ये सब वो मोहिनी मूर्ति पहले उनके ओर देखा और फिर वो भी भागने लग गया. और शिव जी भागते जा रहे थे जब इस तरह से भागते जा रहे थे तो फिर ये मोहिनी मूर्ति ने क्या किया, वो उन ऋषि मुनियों के बीच में चली गई जो शिव जी की पूजा करते थे और उनके सामने शिव जी भागते गए थे. तो अभी ये देखकर तो ऋषि मुनि सारे मोहित हो गए, ये क्या हो रहा है. तो ये अभी भगवान ने ऐसे क्यों किया, शिव जी ऐसे क्यों कर सकते हैं, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे भाव ये है कई तो अंत में क्या होता है, शिव जी मोहित हो जाते हैं और फिर उसके बाद में जब वो शांत हो जाते हैं, वो उत्तेजन होता है, उत्तेजन से कार्य हो जाता है, उनका वीर गिर जाता है, पर वीर उनका साधारण नहीं होता है. उससे जहाँ पे भी गिरता है वहाँ पे ज़मीन पर जो होता है सोने के माइंस खन वहाँ पे हो जाते हैं और फिर बाद में शिवजी शांत हो जाते हैं. और फिर यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है कि शिवजी जब ये समझते हैं क्या हो गया तो वो ही डजंट बिकम ह्यूमिलिएटेड, ही बिकम्स जुबिलेंट. वो ऐसे नहीं, वो अरे मेरा नाक काट दिया आपने, मेरा अपमान हो गया, नहीं, वो आनंदित हो जाते हैं. उनका भाव क्या होता है कि हे प्रभो, आप ही ऐसा कर सकते हो, आप ही ऐसा चमत्कारी कार्य कर सकते हो जिससे कि मैं मोहित हो सकता हूँ. तो यहाँ पे एक भाव है कि जो एक महत्वपूर्ण सीख है यहाँ पे, इफ वी कांट सक्सीड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन फेल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट फेल आउट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. अगर हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, हम कृष्ण भावना में हम यश नहीं प्राप्त करते तो फिर हम कृष्ण भावना में अपयश प्राप्त कर सकते हैं. हमें अपयश कृष्ण भावना के बाहर नहीं प्राप्त करना है, अपयशी होकर कृष्ण भावना के बाहर नहीं जाना है. इसका मतलब क्या है कि कृष्ण भावना जो है ये एक भावना है, ये कार्य नहीं है. कार्य भी जरूरी है उसमें, पर कार्य से महत्वपूर्ण ज़्यादा भावना है. कोई मान लीजिए एकादशी के लिए उपवास करना चाहता है तो अभी उसमें कार्य है उपवास करना, पर उसमें भावना क्या है कि मुझे भगवान के स्मरण को और बढ़ाना है. तो अगर मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ पर वो एकादशी के उपवास से बहुत पेट जल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, कुछ एसिडिटी हो जाती है, उल्टी होने लगती है, अगर उपवास नहीं हो रहा है तो फिर बोले नहीं मैं उपवास करना था, मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूँ. अगर कुछ खाना है तो खा लो, तो हम कुछ खा लेते हैं तो अभी क्या होता है, कोई बोलेगा अरे मैंने उपवास करने का प्रयास किया, उपवास नहीं कर पाया, मैं हार गया. पर ये पराजय एक तरह से हो गया है, एक तरह से. पर और उसमें क्या है, ऐसे नहीं है कि जो व्यक्ति उपवास कर रहा है वह कृष्ण भावना भावित है और जो उपवास नहीं कर रहा है वह कृष्ण भावना अभावित है. आजकल तो बहुत से लोग उपवास करते हैं वजन कम करने के लिए सिर्फ, तो फिर जब इस तरह से करते हैं कोई तो उसमें भाव क्या है, उसमें कुछ मेधश्चेद फलानि होगा हनानि जगत स्नानम बिना नारायण स्मृति. कुंदमाला सूत्र में बताया गया है कि अगर कोई उपवास करता है, भगवान की स्मृति नहीं करता है, तो वो केवल वजन कम करने के एक्सरसाइज है, उसके अलावा कुछ नहीं. अभी वजन कम करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर उसमें जोर क्या है कि उसमें कुछ दिव्य नहीं है. तो कोई व्यक्ति भले ही कुछ प्रसाद खा लेता है और फिर भगवान का स्मरण करता है, ठीक है मेरा शरीर ऐसा है कि मैं इतना उपवास नहीं कर सकता, मेरे दृढ़ संकल्प इतना है कि मैं अभी उपवास नहीं कर सकता, ठीक है, पर फिर भी मैं भगवान आपकी भक्ति करते रहूँगा. तो भगवान का स्मरण करना और भगवान की भक्ति करते रहना यह कृष्ण भावना है. तो भले ही उपवास कर पाए या उपवास न कर पाए, उपवास भले ही न कर पाया व्यक्ति, फिर भी अगर वो भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का सेवा भाव रख रहा है, तो फिर वो भले ही वो फेल हो गया, भले ही वो यशस्वी नहीं, वो अपयशस्वी हो गया, पर फिर भी कृष्ण भावना में ही है. तो कृष्ण भावना वास्तव में एक ऐसा एक सर्कल, एक दायरा जैसे है वो,
तो उसमें यश भी है और उसमें अपयश भी है. अगर अपयश में भी अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित ही है. अगर कोई व्यक्ति फैसला करता है मैं सुबह उठ के जॉब करने वाला और सुबह उठ नहीं पाता है, तो ठीक है जब भी उठ गए तभी जॉब करो. पर बोलता है सुबह उठ नहीं पाता और कहता है कि क्या है ये मुझसे होने वाला नहीं है, ये जॉब छोड़ दो, और वो बिल बैग बाजू रख देता है और भक्ति छोड़ देता है. तो ये क्या हो गया, ये कृष्ण भावना के बाहर अपयश हो गया. तो कभी क्या होता है, हम कृष्ण भावना को सिर्फ कुछ चीज़ों से इक्वेट करते, ये है चीज़ें है तो कृष्ण भावना है, ये चीज़ें नहीं है तो कृष्ण भावना नहीं है. पर ऐसे नहीं है. कभी ऐसे हो सकता है कि कुछ कुछ कार्य जो है वो व्यक्ति नहीं कर पाए परिस्थिति के कारण. पर अगर परिस्थिति के कारण वो कार्य नहीं कर पाता है उसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित ही है. क्योंकि क्या है, अभी अगर हम प्रभुपाद जी का ही उदाहरण देखते हैं तो जब उनके गुरुदेव वहाँ पे बहुत जगत में थे भक्तिदास से ठाकुर, तो प्रभुपाद जी लगभग 10 सालों में 10-12 बार उनसे मिले, उससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाए वो, क्योंकि प्रभुपाद जी का अपना एक बिजनेस था और बिजनेस के लिए ट्रैवल किया करते थे. और फिर उसके कारण जब उनके गुरु भाइयों ने कहा भक्तिदास से ठाकुर से, तो इनमें तो इतनी प्रेरणा इतनी क्षमता है, ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये ऐसे मंदिर के बाहर क्यों रह रहे हैं, इनको मंदिर में ही रहना चाहिए. तो भक्तिदास ठाकुर ने कि वो अपने समय में सब कुछ कर लेंगे. तो अभी क्या हो गया, उस समय अगर गौड़िया मठ के भक्तों के परिवार से देखें तो प्रभुपाद जी क्या है, अपने भौतिक चीज़ जिम्मेदारी में इतने फंसे हुए हैं, मंदिर ज़्यादा आते नहीं हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, ज़्यादा सेवा नहीं कर रहे हैं, भाव हो सकता था. पर क्या है, प्रभुपाद जी अंदर से विचार कर रहे थे कि मैं सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर जाता हूँ. उनको कोई ज्योतिष ने कहा था कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हो, अगर वो बन जाते थे तो कि इससे मैं मेरे गुरुदेव के मिशन की मदद करूँगा. तो उनका भाव एक था. तो कुछ हो सकता है कि हर एक व्यक्ति का भाव क्या है वो हमें पता नहीं है. अभी हमें ये नहीं, हमें ऐसे नहीं है कि जानबूझ के भक्ति के कार्य छोड़ देना हो कहना कि मेरा भाव है भक्ति करना, ऐसे नहीं है. जानबूझ के मैं जप नहीं करूँगा पर भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, ऐसे नहीं. हमें कार्य भी करने हैं, पर कभी कभी अगर कुछ कार्य होते नहीं हैं तो ऐसे नहीं है कि उसके द्वारा हमारा कृष्ण भावना, हमारी कृष्ण भावना छूट गई है. मतलब किसी का अगर कोई गिर भी जाता है, पतन भी हो जाता है, तो पतन होके भी व्यक्ति कृष्ण भावना में रह सकता है. मान लीजिए कोई जप कर रहा था बाद में जप छोड़ दिया, कोई मंदिर में आ रहा था मंदिर में आना छोड़ दिया, अगर उस व्यक्ति का जो भाव है कृष्ण भावना से अनुकूल है, ठीक है मैं अभी ये कर नहीं पा रहा हूँ पर वो भाव अनुकूल है, तो व्यक्ति अभी तक वो कृष्ण भावना में है. एक तरह से उस स्तर पे नहीं है जो पहले था पर फिर भी भावना में है. तो यहाँ पे शिवजी जो होते हैं वो क्या होता है उनका, कि भले ही शिवजी भले ही वो एक तरह से मोहित हो जाते हैं, वो जैसे ही वो मोह का प्रभाव खत्म हो जाता है तुरंत वो भगवान का स्मरण करते हैं. तो क्या होता है, उनके भगवान के स्मरण में जो होता है वह हताश नहीं हो जाते, अरे ये ऐसा हो गया मुझसे क्या स्मरण करने का फ़ायदा है, कुछ भक्ति का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा भाव नहीं था उनका. वो तुरंत भगवान का स्मरण करने लगे, ना कि भगवान का स्मरण करने लगे वो भगवान का गुणगान करने लग गए कि हे प्रभु आप ही इतने महान हो कि आप मुझे मोहित कर सकते हो. तो मैं न्यू जर्सी में इसे टॉपिक पे क्लियर दिया था, हाउ टू फेल वेल. कि अगर हमें ऐसे नहीं कि हाउ टू फेल, हमें हारना नहीं है, हमें पराजय नहीं करना है, हमें यश प्राप्त करना है हमें. पर अगर अपयश प्राप्त हो जाता है तो हमें क्या कर सकते हैं, हम वी कैन इवन इफ यू हैव टू फेल वी कैन फेल वेल. फेल वेल डोंट से फेयर वेल. भगवान को जो बोलना नहीं कि छोड़ता होगी भक्ति, फेल अभी होते फेल वेल होते हुए. उसका मतलब क्या है कि हम कोई कार्य भले ही ना कर पाए उसके बावजूद भी हम कृष्ण भावना में रह सकते हैं. तो अभी हम यही भाव देखते हैं परीक्षित महाराज के इसमें भी. वो कुछ क्षणों के लिए जब वो अब बड़े ही प्यास से पीड़ित हो गए थे और शमिक ऋषि ने उन्हें कुछ दिया नहीं पानी, तो उससे क्रोध में आके उन्होंने शमिक ऋषि के गले में वो एक सांप की माला डाल दी. भाव ये था कि मैं तुम्हारे घर में अतिथि के रूप में आया हूँ, तुमने मुझे कुछ माला नहीं दी तो मैं तुम्हें एक माला दे देता हूँ. और उन्हें वो ऐसे डाल जाते जाते ही अपने धनुष से उसको उठा के उनके गले में
और सांप जो मरा होता है उसके सांप का शरीर था उनके गले में जाके गिर गया वो। तो अभी वो एक तरह से परिस्थिति के कारण क्या हो गया, उनकी मन से थोड़ी मोहित हो गई और उन्होंने कुछ कार्य तभी कर दिया वैसे। पर क्या हो गया, जैसे ही उन्होंने पानी पी लिया, थोड़ा मन शांत हो गया, ये क्या किया मैंने, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। और फिर उसके बाद में वो कहने लगे कि अगर मैंने जो बड़ा बुरा कार्य किया है इसके लिए जो भी सज़ा मिलनी है सज़ा मिल जाए तो मुझे, पर मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। और भले ही उनको उसके कारण एक बहुत ही ज़्यादा सज़ा मिल गई, वास्तव में जो शाप था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा शाप था, वो शाप मिल भी गया, फिर भी क्या हो गया, वो भगवान की सेवा में लगे रहे, भगवान की सेवा वास्तव में उनकी बढ़ गई। तो यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए उनसे गलती मान ली, एक तरह से कहते हैं जो भगवान के बहुत महान भक्त होते उनके जीवन में जो भी होता है वो एक तरह से भगवान की योजना है, भगवान की लीला है। पर हमें कुछ सीखना है तो हमें दूसरे दृष्टि से भी देख सकते हैं, मान भी लेते हैं कि वो उनसे कुछ समय के लिए गलती हो गई, परीक्षित महाराज कहते हैं उनसे गलती हो गई, पर तुरंत वह सही मार्ग पर आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें देखना है कि कोई किसी के जीवन में उनसे कोई गलती हो भी जाती है, हमारे इसमें दो चीज़ें हैं, हमारे जीवन में हमसे कुछ गलती हो जाती है, दूसरों से कुछ गलती हो जाती है। तो सबसे पहले किसी से कोई भी गलती क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भक्ति में कभी हतोत्साही नहीं होना है, भक्ति में उत्साह बनाए रखना है। कोई भी गलती क्यों ना हो, दूसरे भक्तों ने कुछ गलती की है तो फिर भी उनको इस तरह से डांटना नहीं है, उनको ऐसे कुछ बोलना नहीं कि जिससे कि वो हतोत्साहित हो जाए। अभी उत्साही रहकर जब वो कार्य करते हैं तो फिर क्या है, भक्ति में इतनी क्षमता है कि पुनः वो शुद्ध हो जाए। तो अगर वो चेतना में रहते हैं कि मैं कितना पतित हूँ, ये एक भाव सही है, पर वो हमें हमारी चेतना में रहना चाहिए, पर हमारी चेतना के केंद्र में वो नहीं रहना चाहिए। चेतना के केंद्र में क्या है कि हमें भगवान रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए भगवान मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो जब ये भाव होता है तो किसी भी परिस्थिति से हम क्यों न जाए, हम उस परिस्थिति से पुनः आगे आके पुनः सही मार्ग पे आ सकते हैं। तो जो अभी जो उद्देश्य होता है कभी पर अभी परीक्षित महाराज का देखे गए, परीक्षित महाराज का जो उद्देश्य था भगवान की भक्ति करना, पर परिस्थिति ऐसी आ गई, बहुत प्यास लग गई, किसी ने अनादर कर दिया उनका, उससे उनका क्या हुआ, क्रोध आ गया और उस मनस्थिति क्रोध की वजह से कुछ कार्य कर दिया उन्होंने। पर जैसे क्योंकि उनका उद्देश्य दृढ़ था तो जैसे ही वो परिस्थिति चली गई पूरा मनस्थिति ठीक हो गई और ऑफिस ही उद्देश्य में लग गए। तो भले ही किसी से कुछ गलती हो जाती है, हाँ क्या है, हमारा हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के द्वारा हम भक्ति करने के लिए अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं कि हम मंदिर में आके भक्ति करें, मंदिर में सत्संग मिलता है हमको, हम हमारी मनस्थिति एक संतुलित रखने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा अगर क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा तो फिर क्या होगा, उससे भक्ति नहीं कर पाऊँगा। ये दोनों महत्वपूर्ण है, कुछ तरह से हमें संतोल रखना इन दोनों में, पर उससे महत्वपूर्ण है कि हमारे उद्देश्य को दृढ़ संकल्प बनाना। उद्देश्य को अगर दृढ़ बनाते हैं तो फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, कैसी भी मनस्थिति क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, हम उस उद्देश्य के स्तर उद्देश्य की शक्ति से आगे अग्रसर रह सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया है कि शिवजी जब मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे, ऐसा था कि इस मान लीजिए कोई काम रूपी शत्रु उनको पीड़ित कर रहा है। तो अभी क्या होता है, ये एक ऐसा जो उपमा है या जो चित्र है हम देख सकते हैं कि साधारणतया कोई शत्रु अगर आक्रमण कर रहा है, कोई बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति एक दुबले पतले व्यक्ति को मारने को आता है, तो क्या होता है, वो व्यक्ति भागने लगेगा और वो आगे है, ये व्यक्ति पीछे है, भाग रहा है और वो इस तरह से पीड़ित कर रहा है उस व्यक्ति को, और वो शायद कुछ चाबुक है, उसके चाबुक से मारने का प्रयास कर रहा है, कुछ पत्थर मार रहा है, कुछ लकड़ी मार रहा है, वो बचते हुए भाग रहा है उधर से। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे हम सब जो होते हैं हमारे जीवन में, हम यहाँ वो अभी इससे क्या हो रहा है, वो इसे काम रूपी शत्रु पीछे है, यहाँ पे ऐसे बताया अपना बता शिव जी यहाँ पे है और मोहिनी मूर्ति आगे है। तो शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं, पर यहाँ बताया कि ऐसे मान लीजिए उनको शत्रु जो है पीड़ित कर रहा है इसलिए भाग रहे हैं। तो अभी यह जो भाव महत्वपूर्ण है समझना, कभी कभी हम लोग कभी हम किसी को देखते हैं
क्यों किसी इंद्र तृप्ति के विषय के पीछे भाग रहा है, कोई शराबी है शराब के पीछे भाग रहा है। और कितना, मैं एक मित्र है वो बताया था कि उनका भाई उसको शराबी बन गया था और फिर उन्हें उसका बहुत ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया, उसको डी एडिक्शन सेंटर में लेके गए और वो काफ़ी रईस थे। तो रईस होने के कारण क्या होता कि वो कहीं भी बार में जाते थे तो फिर उनके पास पैसे हो भी नहीं तो भी क्या, उनको पता है कि ये बड़े व्यक्ति वो पैसे बाद में दे देंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको उसको मदद करने के लिए सारे जो शहर के बार में था उन सबको बता दिया कि इसको शराब मत दो। और फिर उनके जीवन को डी एडिक्शन सेंटर में बहुत मॉनिटर करके रख दिया उनको अच्छी तरह से, कोई भी जाए नहीं। तो एक बार वो कार से ऐसे बाहर घूमने गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा कार काम नहीं कर रहा है, किसे फ़ोन किया और फिर टो करके वो कार को लेके आ गए और टो करके कार को लेके आ गए और फिर वो अपने घर में सो रहे थे रात के समय। और रात के समय उठे फिर ये भक्त, ये जो भक्त वो उठ के कहाँ जा रहे हैं, तो क्या किया था उस व्यक्ति के भाई ने कि जो कार का टैंक होता है उसमें शराब भर दी थी और अभी वो टैंक में पाइप डाल के शराब पी रहा था, प्रेमी का प्रयास कर रहा। तो कभी ये पहले जब भी वो शराब पीता था तो मेरा तो इतना क्रोध था, ऐसे क्यों कर रहा है, तुम्हारा सारा जीवन अच्छा है, तुम्हारा परिवार है, हम सब मदद कर रहे हैं। पर जब उस तरह से उसको शराब पीते हुए देखा तो समझ गया कि वास्तव में ये व्यक्ति कैसे गुलाम हो गया है। ऐसे जब हम कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो एक तरह से हम कहते उनको क्या कहते हैं, उनको क्रिमिनल के रूप में देखते हैं, गुनहगार के रूप में देखते हैं। तो एक तरह से वो गलत कार्य कर रहे हैं, पर दूसरा क्या है कि दे आर ऑल्सो विक्टिम्स, वो भी पीड़ित है। तो जो शराब की जो इच्छा होती है तो अभी वो व्यक्ति शराब की ओर दौड़ रहा है, कहे तुम इतना क्यों शराब के पीछे पागल हो रहे हो। पर दूसरी दृष्टि क्या है कि शराब की इच्छा जो है उनको पीछे से पीट रही है और उस इच्छा से बचने के लिए वो व्यक्ति शराब के पीछे भाग रहा है। तो दिस इज अ विजन ऑफ कंपैशन, ये दृष्टि है। तो क्या है, तुम इतना शराब के पीछे क्यों भागते हो, वो क्या है, विजन ऑफ जजमेंट है। ये एक दृष्टि है कि तुम में आत्मनियंत्रण कुछ नहीं है, तुम इतने गैर जिम्मेदार हो, तुम इतने जो बुरे हो, ऐसे हो बोलते। तो ये भी एक दृष्टि है। पर दूसरी दृष्टि ये है कि वास्तव में वो व्यक्ति पीड़ित है और इस तरह से पीड़ित है कि वो पीड़ा से बचने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। तो इसीलिए ये साइकोलॉजी में ये बात होता है कि अभी आजकल के लोग अधिकांश लोगों का कहना है कि जो एडिक्शन हो जाता है किसी को तो वो एक बीमारी है, वो केवल जो स्वेच्छा जो इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। तो इच्छा शक्ति ज़रूर चाहिए पर व्यक्ति को सिर्फ इच्छा से, इच्छा शक्ति की प्रबलता से व्यक्ति, हर व्यक्ति छोड़ पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या है, उस व्यक्ति को मदद चाहिए। मदद क्या है कि अभी मान लीजिए कोई किसी को पीट रहा है पीछे से और उसे बचने के लिए कोई भाग रहा है, उसको बोलो मत भागो, पर मत भागो यहाँ पे भी पीटा जा रहा हूँ। वो पीटा जो व्यक्ति जा रहा है उससे कैसे बचेगा, उससे बचना महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति को बोलेगा उसके पीछे मत भागो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब तक उसको पीड़ित हो रहा है पीछे से, पीट रहा है से लग रहा है, वो भागेगा ही। तो इसलिए अभी क्या है, जब भी किसी कोई व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है किसी से, कोई व्यक्ति किसी बुरे व्यसन का शिकार बन जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसको वो आदत छुड़ाना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य लाना जिससे कि वो इच्छा की पीड़ा जो है, इच्छा की जो पिटाई है वह कम हो जाएगी। अभी हमारी इच्छा हमें पीटती कब है, एक तरह से कहते हैं कि हमेशा पीटती रहती है, पर ऐसे नहीं है। जब हम कोई कार्य में लगे होते हैं जो कार्य में अच्छा लगता है, कुछ अर्थपूर्ण कार्य होता है जिसे हमें भी संतुष्टि मिलती है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि उसके द्वारा व्यक्ति जी को लग जाता है जब मैं संतुष्ट हो मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ, सकारात्मक कार्य कर सकता हूँ, और सकारात्मक कार्य करने लगता है तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति उस इच्छा के बारे में इतना विचार करना नहीं करता नहीं है। और फिर जब मन दूसरी चीज़ों से भर जाता है, मन दूसरी चीज़ों से भर जाता है कि सकारात्मक कार्यों से, तो भी नकारात्मक जो इच्छा है उसके लिए समय नहीं रहता है। और इस तरह से क्या होता है, अभी वो व्यक्ति को अपनी बदलने की इच्छा तो होनी चाहिए पर सिर्फ उसने उतना ही प्रबल नहीं है, उसको कुछ मदद चाहिए। तो अभी
दो उदाहरणों के साथ मैं उसका अंत करूँगा कि सबसे पहले मैं अभी अमेरिका में एक एडिक्शन कॉन्फ्रेंस में था. अमेरिका में ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बहुत समस्या आ गई उसका. तो अभी पाश्चात्य देशों में सब जगह पे है पर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है. तो वेस्ट पाश्चात्य देशों में सब ड्रग से छूटने के लिए सबसे यशस्वी जो देश हुआ है वो अभी तक है नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स में क्या किया, 2000 साल में उन्होंने देखा कि लगभग 50% जो युवक थे वो सब ड्रग्स के हावी हो गए थे. और तब तक ऐसा होता था कि अगर किसी ने एक बार भी ड्रग लिया है तो फिर क्या होता है, क्योंकि ड्रग्स ले गया काफ़ी खतरनाक हो सकता है, व्यक्ति पागल भी हो सकता है. तो फिर उसको जो पुलिस में उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता था और फिर उसको उसके सारे रिकॉर्ड में आ जाता था कि अभी इसने शराब, इसने ड्रग्स लिया है. और क्या होता था, कोई भी कंपनी हो, कोई भी उनको नौकरी नहीं मिलती थी. फिर कौन ऐसा जो ड्रग्स इस्तेमाल करता है व्यक्ति, कौन नौकरी देगा. फिर उससे क्या होता था, वो अकेले पड़ जाते थे. और अकेले पड़ जाते थे तो क्या है, और उसके नशे में जाते थे. तो तभी उन्होंने क्या किया कि जो रादर देन पनिशिंग ड्रग एडिक्ट्स, दे ट्राइड टू रिहैबिलिटेट ड्रग एडिक्ट्स, कि उनको सजा देने की जगह पे उनको पुनः एक जीवन निर्माण करने के लिए मदद करें. तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सरकार ने बताया कि अगर ये व्यक्ति, हम जानते हैं इसने ड्रग्स लिए हैं, पर उन्होंने जो कंपनीज थे उनको बताया कि अगर आप इस व्यक्ति को नौकरी दोगे तो इसकी 50% तनख्वाह हम देंगे आपको. तो जो पैसा वो पहले जो ड्रग्स लेने वाले को पनिश करने में डालते थे, तो अभी उन्होंने सारा उनको रिहैबिलिटेट करने में डाल दिया. और अभी ऐसा करने से क्या होगा, जब लोग अच्छे से नौकरी करने लगे, थोड़ा जिम्मेदार जीवन जीने लग गए, लगे ना कि हम कुछ कर सकते हैं. तो अभी जो है, जो 2000 साल में जो वहाँ पर जो ड्रग एडिक्शन था उससे लगभग अभी 1/5 हो गया है वो 20 सालों में. क्योंकि सारा जो विश्व है उनका मॉडल फॉलो करने का प्रयास कर रहा है. तो अभी यह जो उसमें क्या है महत्वपूर्ण क्या है कि उनको एक सकारात्मक जीवन जीने का मौका दे दिया है. तो कुछ भक्त है, अभी क्या होता है, जो कि व्यक्ति अगर एडिक्ट होता है तो कोई ऐसे शराब अभी होता है या नशा लेने वाला होता है, तो ऐसे नहीं कह सकता कि मैं छूट गया, अभी छूट गया हूँ. तो ऐसे होता है कि वो छूट भी गए हैं फिर भी अभी एक डी एडिक्शन सेंटर में एक महीना दो महीने रह सकते हैं, वहाँ पर हमेशा तो नहीं रह सकते हैं. तो उसके बाद में अगर वो साधारण समाज में आ जाएगी तो पुनः सारा प्रलोभन होता है. तो उनके लिए कुछ सेफ जोन चाहिए जहाँ पर रह सकते हैं. तो कुछ भक्त है अमेरिका में, वो क्या कर रहे हैं, जो ऐसे ड्रग्स छूट रहे हैं उन लोगों को सुविधा के लिए एक मंदिर के बाजू में एक आश्रम बना रहे हैं. तो उसमें वो रह गए, वो सारे पूरी तरह से भक्ति नहीं करेंगे, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा होता है थोड़ा बहुत करेंगे, पर उनको भक्ति का संदेश इस तरह से देंगे कि उनको जीवन में और सकारात्मक प्रेरणा मिल सके. जो जीवन में सकारात्मक कार्य है वह करना महत्वपूर्ण है. तो हमारे जीवन में हमें से कोई बड़ी ऐसे व्यसन तो हमें नहीं है, पर क्या है कि हमें सबको छोटी मोटी बुरी आदतें हो सकती है. जो किसी को क्रोध आता है बहुत, किसी को दूसरों का द्वेष आता है, जो भी ऐसे हो सकता है हमको, तो हमें उस आदत से झगड़ा नहीं करना है. ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, ये वास्तव में हम क्यों कर रहे हैं, वो आगे ये कार्य कर रहा हूँ मैं, बोल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे से मुझे कोई पीट रहा है. तो जो पीछे से पीट रहा है उससे अगर हम बच जाएंगे तो ये आगे हम नहीं जाएंगे. तो ईर्ष्या हमको पीछे से पीटती है, क्रोध हमको पीछे से पीटता है, लोभ होता है, काम होता है, सब ऐसे पीछे से पीट रहे हैं हमको. तो उनको बचने के लिए क्या करना है, जो हमारा जीवन है सकारात्मक कार्यों से भर देना है. जितना हमको सकारात्मक कार्य करने लगते हैं, कि जब तो है ज़रूर, पर जब के साथ अगर हम सेवा करते हैं और हम देखते हैं कि मेरे सेवाओं के द्वारा मैं कोई अच्छा कार्य कर सकता हूँ, जो जितना हम सकारात्मक कार्य से हमारे जीवन को भर देंगे उतने नकारात्मक कार्य जो है अपने आप दूर चले जाएंगे. और यही जो भाव है कि कोई व्यक्ति कुछ गलत भी कार्य कर देता है पर उसका मतलब वो नहीं कि व्यक्ति बुरा है. तो अभी भगवान ने खास करके शिव जी के साथ ऐसे क्यों किया और उसमें क्या शिव जी और भगवान का आदान प्रदान है, उसके बारे में चर्चा कल के प्रवचन में करेंगे. तो आज सारांश में चर्चा की किस तरह से कि जब हम कोई कार्य करते हैं, शिव जी ने इच्छा की कि मुझे भगवान के मोहिनी मूर्ति का दर्शन करना है, तो उसमें क्या था, हमने तीन चीज़ें देखी, हमारी परिस्थिति, मनस्थिति और उद्देश्य. तो जो उद्देश्य था उनका एक भक्ति का उद्देश्य था, पर हमारी जो उद्देश्य अच्छा भी क्यों ना हो पर हमारी मनस्थिति और परिस्थिति दोनों बदल सकती है. तो कुछ उदाहरण देखे हमने, कैसे अजामिल था, उद्देश्य तो उचित था पर परिस्थिति ऐसी हो गई, मोह में आ पड़ गए वो और मोह में फंस गए उसके बाद, और वो कई सालों तक बदली नहीं. सुग्रीव जो था
परिस्थिति ऐसी थी कि मोह में पड़ गए, पर जैसे ही लक्ष्मण ने याद दिलाया तो पुनः वो सही मार्ग पे आ गए। हनुमान जी वो भी प्रलोभित प्रलोभन के परिस्थिति में थे, पर वो परिस्थिति में होते उनकी मनस्थिति कुछ समय के लिए बदली नहीं। अजामिल की मनस्थिति कई सालों के लिए बदल गई, सुग्रीव की कुछ महीनों के लिए, जो हनुमान जी की कुछ क्षणों के लिए भी नहीं बदली। तो अभी ये फर्क क्यों था? क्योंकि संकल्प जो उद्देश्य था वो दृढ़ था। तो देखा कि जब शिवजी का उद्देश्य क्या था, वो भगवान की सेवा करने का ही उद्देश्य था, उसी उद्देश्य से वो निकले थे भगवान का दर्शन करने का, भगवान के रूप का दर्शन करने का। पर जब वो इस तरह से मोहित हो गए, तो मोहित होने के बाद वो खुद अपमानित नहीं हुए, वो आनंदित हो गए कि भगवान की इतनी शक्ति है कि मुझसे भी ऐसा करा सकते हैं कि। तो फिर उन्होंने भगवान का गुणगान करने लगे। और उसमें हम देखा कि कृष्ण भावना में यदि अगर हम यशस्वी नहीं हुए तो हम कृष्ण भावना में अयशस्वी हो सकते हैं। कृष्ण भावना के बाहर जाके अयशस्वी होने की ज़रूरत नहीं है। कोई उपवास करना चाहता है, कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है, कोई कुछ कार्य करना चाहता है, अगर नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, मैं नहीं कर पाया फिर भी मैं भक्ति करते रहूँगा। अगर नहीं कर पाया इसलिए छोड़ दो भक्ति हो गई नहीं, उसे छोड़ दो भक्ति, ऐसा भाव कर देते हैं, तो फिर हम कृष्ण भावना के बाहर जा रहे हैं। कृष्ण भावना ये क्रिया नहीं है, ये भावना है। क्रिया भी ज़रूरी है, पर अगर क्रिया नहीं होती है तो भावना फिर भी रख सकते हैं। प्रभुपाद जी को, उनके गुरु भाइयों को लग रहा था कि प्रभुपाद ज़्यादा मंदिर में आते नहीं हैं, सिर्फ अपने भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, पर प्रभुपाद जी का भाव था क्या कि वो अपने गुरुदेव की सेवा ही कर रहे थे। तो इसलिए किस कौन व्यक्ति का क्या भाव है हमें पता नहीं है, हमें क्या देखना है कि हमारा उद्देश्य हम उचित रखें। और अंत में हमने एक उदाहरण देखा कि शिवजी का कैसे बताया गया, जैसे मान लीजिए वो काम की इच्छा के द्वारा पीड़ित होकर मोहिनी मूर्ति के पीछे जा रहे थे, तो जब कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है, कोई शराब पीता है, तो एक तरह से हम कहेंगे कि तुम इतना शराब से आसक्त क्यों हो, इसके पीछे इतना क्यों भागते हो, पर वो एक तरह से उसको व्यक्ति को गुनहगार की दृष्टि से देखा जा रहा है। पर दूसरा है कि व्यक्ति एक पीड़ित व्यक्ति है जिसको शराब की इच्छा पीछे से पीट रही है। बताया कि वो व्यक्ति के मित्र भाई थे, वो क्या पेट्रोल की टैंक में शराब भर के लेके रात को छुपके पी रहे थे, तो क्या कितना अंदर से पीड़ित हो रहे हो इस इच्छा के द्वारा। तो अभी व्यक्ति को बोलो ये मत करो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना उपयोगी नहीं है जितना कि जो उसको पीट रहा है पीछे से, वो पिटाई को रोक दो। वो कैसे होता है कि जब हमारा मन खाली होता है तो फिर इच्छाएँ और पीटी लगती हैं। तो अगर हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक कार्य हम करने लगते हैं तो उससे मन भर जाता है, और फिर वो इच्छा की पिटाई होए वो कम हो जाती है। तो मैंने देखा बताया कि नेदरलैंड्स में जब वो जो ड्रग्स लेने वाले लोगों को गुनहगारों के दृष्टि से देखकर उनको सजा देने की जगह पे जब सरकार ने उनको रिहैबिलिटेट करने का प्रयास किया कि उनको नौकरी देने लगाने का प्रयास किया, तो क्या हो गया, उसमें उनका ड्रग्स का प्रतिशत बहुत कम हो गया। तो कृष्ण भावना में वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस द अल्टीमेट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। उसमें क्या कर रहे हैं हम, जब सकारात्मक कार्यों में लगते हैं हम कृष्ण भक्ति में, तो फिर जो मन में जो हम पीड़ित हो रहे हैं हमारी इच्छाओं के द्वारा वो कम हो जाएगा। और भले ही हम पीड़ित हो रहे हैं उसके कारण कुछ गलत कार्य हो भी जाते हैं, तो वो गलत कार्य छोड़ना उसका दृढ़ संकल्प लेने से बेहतर है कि सकारात्मक कार्य शुरू करना, मैं ये सेवा करूँगा, मैं ये करूँगा। और उससे जैसे हमारा मन हम भर देंगे तो फिर क्या है, जो बुरी आदतों बुरी इच्छाएं जो हमें पीड़ित कर रही है और बुरी कार्यों में लगा रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? यस प्रभु बोलिए। बात सही है। जब हम किसी के बारे में निर्णय लेते हैं तो हम क्या उनके कार्य को देख सकते हैं, उनकी भावना को नहीं देखते हैं, तो देख नहीं पाते हैं। तो क्या है कि इसमें मैं लंदन में एक थ्री पार्ट सेमिनार लिया था, थ्री पार्ट सीरीज की, बैलेंसिंग फॉरगिवनेस एंड जस्टिस इन भक्ति, कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो कभी किसको माफ़ करना है और कभी न्याय करना है, ये दोनों हमें समान रूप से रखना है। तो मैं बैक टू गॉडहेड का एडिटर हूँ, एक एडिटर हूँ, तो कभी हमारे भक्ति का है
जेल में जाके प्रचार करते हैं, और जेल में जाके प्रचार करके फिर हाँ कई बार वहाँ जेल में भी लोग भक्त बन जाते हैं, तो फिर वो कभी कोई गुनहगार है जो भक्त बन गया है उसकी उनकी कहानी सुनना काफ़ी प्रेरक होता है, इतना भी लोगों का परिवर्तन हो सकता है। तो हमको साउथ अफ्रीका से एक लेख आया था कि एक भक्त जेल में जाकर प्रचार कर रहे थे और एक युवक था उसे बहुत प्रेरित हो गया और बहुत गंभीर भक्त बन गया था। तो फिर जब हम वो कहानी तो बहुत अच्छी थी और वो हम जब छापने का हमने अप्रूव कर दिया, तभी साउथ अफ्रीका के एक वहाँ के एक लीडर थे, उन्होंने हमको खत लिखा कि आप कृपया ये कहानी मत छापो। क्यों? बोले क्यों, क्या हुआ था कि वो कैसे भक्त, उसका कैसे वो भक्तों से परिचय हुआ, कैसे उसका जीवन परिचय, वो सब कहानी थी उसमें, पर वो जेल में गया क्यों था? वो जेल में इसलिए गया था कि वो साउथ अफ्रीका में ही जो भक्तों के कांग्रेस थे उसके फैमिली में किसी लड़की के साथ उसने गलत कार्य किया था। तो अभी वो जिसने ऐसे कार्य किया है उसका ही अगर गुणगान बैक टू गॉडहेड में होगा तो वो ये भक्त को कितना बुरा लगेगा उसके बारे में। तो अभी मान भी लीजिए कि वो सही में परिवर्तित हो गया है और उसको उत्साह देना है हमें, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो परिवार है उनको हतोत्साहित करना है। तो हमने फैसला किया कि वो कहानी हम नहीं छापेंगे। अब वो परिवर्तित हो गया है, ज़रूर परिवर्तित हो गया है, हो सक परिवर्तन मान भी लिए सही में परिवर्तित हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने पूर्व कार्य को पूरी तरह से मिट जाते हैं। ऐसे अभी महाभारत और भागवतम दोनों उसी कथा को अलग अलग पद्धति से बताते हैं। तो महाभारत में बताते हैं कि एक तरह से जो भीष्म पितामह हैं उनकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक थी, कि वो जो तीर के बिस्तर पर लेटे हुए थे कई दिनों तक, कई महीनों लग महीनों तक लगभग, ऑफकोर्स ये उनकी बड़ी दिव्य चेतना है कि उस सहन कर पाए वो। तो कुछ आचार्य कुछ ऐसे बताते हैं कि क्योंकि भीष्म ने द्रौपदी का संरक्षण नहीं किया, इसलिए अभी दिन भीष्म द्रोण की बड़ी मृत्यु कैसे हो गई, उनको सिर काट दिया बड़े बेरहमी से। तो ये ऐसे क्या हुआ, भीष्म का एक तरह से उनको उसके लिए सजा मिली थी, पर दूसरी दृष्टि भगवान स्वयं उनके सामने आ गए और भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिया। न केवल दर्शन दिया, भगवान ने उनका उपदेश सुना। तो इसमें भाव क्या है कि भगवान हमारे मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, कृष्णा डज नॉट ओवरलुक आवर डिवोशन बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स, बट कृष्णा ऑल्सो डजेंट ओवरलुक आवर मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ आवर डिवोशन। ये दोनों है कि हमारे तुमने गलती की है इसे तुमने जो भक्ति की है मैं उसको देखूंगा ही नहीं, ऐसे नहीं है। भगवान भक्ति को जरूर देखते हैं, पर तुमने भक्ति की है इसे तुम्हारी जो गलती है मैं देखूंगा ही नहीं, वैसे भी नहीं है। वो दोनों आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं भरत महाराज, अभी उन्होंने इतनी भक्ति की थी तो, पर वो एक हिरण से आसक्त हो गए, तो उसके कारण क्या हो गया, उनको हिरण का शरीर मिला। अभी मैंने इतनी भक्ति करने का फायदा क्या हुआ, भक्ति का फायदा ये हुआ कि हिरण के शरीर में भी उनको दिव्य चेतना थी, तो हिरण का शरीर मिला उनको पर हिरण की चेतना नहीं मिली। चेतना जो है न केवल मानव की चेतना थी पर मानव से भी एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मानव की चेतना थी। तो क्या होता है कई बार अगर किसी ने गलती की है वो किस मात्रा की गलती है वो भी देखना है, पर गलतियों का भी कोई कोई परिणाम आना चाहिए। अभी क्या होता है कुछ व्यक्ति सही में उनको लगता है कि सही में वो पश्चाताप कर रहे हैं और फिर तभी ठीक है वो जो गलती हो गई उसको छोड़ दो आगे बढ़ो आगे, पर क्या है अलग अलग मात्रा की गलतियाँ होती हैं। अगर कैसे होता है कि देर इज़ अ रॉन्ग डूइंग एंड देर इज़ अ क्राइम, नैतिक दृष्टि से किसी थोड़ा सा झूठ बोल दिया ठीक है वो गलत है, पर मान लीजिए किसी ऐसा झूठ बोला है जिससे कि दूसरे से उसने लाखों रुपए हड़प लिए, तो ये भी झूठ है, अभी भक्त है उसके लिए उसको माफ़ कर दो, ऐसे नहीं कर सकते उस समय। तो क्या है उसमें एक मात्रा है, एक दर्जा है, और कोई अगर बहुत गंभीर गलती है तो फिर उसके लिए एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि जब भी हम किसी के खिलाफ कुछ कार्य करते हैं उनके शब्दों से उनके कार्यों से थोड़ी बहुत हमको उनकी चेतना भी समझ में आ सकती है, पर पूरी तरह से समझ में नहीं आती है।
तो हमें क्या देखना है, इस तरह से कार्य करना है. तो जो बैलेंस था, मुझे बता था कि माफ करना और न्याय करना, इन दोनों में बैलेंस क्या है कि अगर सिर्फ हम माफ करेंगे तो क्या होता है, शायद वो गलती वापस करते रहेगा, या उनके गलती के कारण दूसरों को जो पीड़ा हुई है, दूसरों को दुख हुआ है, वो दूसरे उससे क्रोधित हो जाएंगे. अरे इसने मेरे साथ ऐसा कार्य किया और फिर तुम इसके अच्छा ही कर, तुम इसका इतना गुणगान कर रहे हो, तुम उसको अच्छी सब कुछ अच्छे से करने दे रहे हो, ये गलत है. तो जो अगर उस व्यक्ति के बुरे कार्य से दूसरे कोई व्यक्ति विक्टिमाइज हुआ है, कोई पीड़ित हुआ है, तो उनके भक्ति को भी उत्साहित रखना है हमें, उनके भक्ति को हतोत्साहित नहीं होने देना है, उनको उन इस व्यक्ति को भगवान पे के पास आने के लिए मौका देते समय उस व्यक्ति को भगवान के पास आने के मौका हमें गंवाना नहीं है. तो इसीलिए कभी कभी न्याय करना भी ज़रूरी है. तो न्याय करना ज़रूरी है मतलब किसी ने गलती की है तो उसको कुछ उचित जो कार्रवाई है वो भी करना ज़रूरी है, पर वो कार्रवाई इस तरह से करनी चाहिए कि वो व्यक्ति को भक्ति करने का मौका कट्टी होना चाहिए. ठीक है, आप भक्ति कर सकते पर आप इस तरह से करो, आप यही मत करो, आप ये करो. वो व्यवहारिक रूप से कैसे फैसला करना है वो हर एक वो देश काल पात्र के अनुसार फैसला करना है, पर ऐसे नहीं है कि हम हमेशा न्याय करें और ऐसे नहीं करें हमेशा माफ़ करें. तो क्या है, हमें जो सबको जो भी उस पर सब किसी के भक्ति के उत्साह को किसी के भी भक्ति के मौके को बंद नहीं करना है वो कार्य कारण. तो कैसे करना है वो एक व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं. तो आंसर क्वेश्चन, कोई और सवाल है किसका? यह है क्वेश्चन. अच्छा सवाल है. तो क्षत्रिय जो होते हैं और उनका कोई चुनौती देता है, उनका कोई अपमान करता है, उनका कोई बुरा बोलता है, तो उनको सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. शायद हमारे साथ भी कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो कोई हमसे कुछ बोलता है तो झगड़े पे उतर आता है, झगड़ा होने लगता है उस पर, तो क्या करें तभी हम. क्या है कि हम सबका अपना अपना स्वभाव है. सो वी आर बाउंड बाय आवर नेचर बट वी आर नॉट बाउंड टू आवर नेचर. मतलब क्या कि मान लीजिए कि अगर मुझे किसी पत्थर से किसी पोल किसी खंभे से बांध दिया गया है, किसी लकड़ी से बांध दिया गया है, तो अभी वो लकड़ी के बंधन जो रस्सी इतनी टाइट है कि मैं उसको निकाल नहीं सकता. वो रस्सी टाइट है पर वो जो लकड़ी से बांधा गया है वह लकड़ी ज़मीन में ज़्यादा टाइट नहीं है, तो मैं लकड़ी के साथ भाग सकता हूँ. जैसे भगवान ऐसे बताया कि जब वो दामोदर लीला में क्या था कि वो जो उलूख था वो उखल था, जो उखल था उसके साथ भाग रहे थे, वो रस्सी खुद तोड़ नहीं पाए पर उखल के साथ भाग रहे थे. तो वैसे भगवान सबसे पहले कहते हैं स्वभाव जीने कौनते निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात कृष्यस्य वशोपिता. वो कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार सब हम कार्य करें, कोई इसका परे नहीं आ सकते, पर कहते हैं भगवान उसके आपने तुम अपने स्वभाव के साथ मेरे शरण में आ जाओ. तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम. तो 60वें श्लोक में 18वें अध्याय के ये बताते हैं कि आप स्वभाव से बद्ध हो, पर भगवान कहते हैं तुम स्वभाव से बद्ध हो पर स्वभाव के परे भगवान है, तुम भगवान के शरण में जाओ, जो भी स्वभाव है उसके साथ तुम भगवान की सेवा करो. तो ऐसे हो सकता है कि कभी कभी कुछ भक्तों के साथ नहीं जम सकता है. तो कृष्ण भावना बहुत बड़ी है और बताए थे कि एक भक्त जोक कर रहे थे, हम कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने ही इज़ बिल्ड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव. तो बता रहे थे प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया है ही इज़ बिल्ड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन फाइट, कि सारा विश्व जो है लड़ सकता है. उसका मतलब क्या है कि हमें लड़ना ऐसे नहीं है, पर भले ही हमें मतभेद हो प्रभुपाद जी के बनाया घर इतना बड़ा है कि हमारे अलग अलग मतों के साथ भक्ति कर सकते, कि ठीक है तुम इस तरह से भक्ति करो मैं इस तरह से भक्ति करता हूँ. तो अगर किसी के साथ हमारा नहीं जम रहा है
कोई भक्त ऐसे ऐसे बर्ताव करते हैं कि हमें क्रोध आ जाता है, समझना चाहिए कि ठीक है ये हम दोनों का स्वभाव थोड़ा अलग है, तो हम दोनों थोड़ा दूर रह के हम वो उनका भक्ति करने दो, मुझे मेरी भक्ति करने दो। तो ऐसे नहीं है कि हम जो भी हमारा स्वभाव है उसको हम पूरी तरह से दबा सकते हैं। थोड़ा नियंत्रण तो हम सबको लगता ही है, थोड़ा आत्मनियंत्रण तो लगता ही है। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे इतना क्रोध आता है मैं नियंत्रण नहीं कर सकता, तो ठीक है। एक बार मैं सिंगापुर में सेमिनार दिया था, बर्न एंगर बिफोर एंगर बर्न्स यू, कि आप अग्नि को आप क्रोध को जलाओ इसके पहले कि क्रोध आपको जला दे। तो भी कहते आप कितने लोगों को लगता है कि ऐसा मुझे जब क्रोध आता है उसमें नियंत्रण होता ही नहीं है, तो कई भक्तों ने हाथ किया। ठीक है, फिर कभी आपको आपके ऑफिस में बॉस पे क्रोध आता है? हाँ आता है। तो क्या आप बॉस पे चिल्लाते हो? नहीं चिल्लाते। मतलब आप क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हो। तो वो शायद बॉस पे नहीं चिल्लाएंगे, घर में आके अपने परिवार वालों पे चिल्ला देंगे। तो क्या है कि हम सब में नियंत्रण करने की क्षमता है, पर वो क्षमता कभी हम इस्तेमाल करते कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी ऐसे भी हो सकता है कि बॉस बार 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 परेशान कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे नौकरी नहीं करूँ, कहीं और जाके नौकरी करूँ। पर वो ऐसे नहीं कि पहली बार बॉस ने कुछ हमको बोल दिया जो हमें अच्छा नहीं लगता है, उस दिन हम तुरंत नौकरी छोड़ देंगे। हम सब में आत्मनियंत्रण की क्षमता है। तो कुछ लोगों में क्षमता ज़्यादा है, कुछ लोगों में क्षमता कम है, पर सब में वो क्षमता है। तो जो भी हमारी क्षमता है उसके साथ हमें सेवा करनी है भगवान की। तो भौतिक जगत में भी थोड़ा खुद को नियंत्रित करना ज़रूरी है, आध्यात्मिक जगत में भी उससे, आध्यात्मिक जीवन में भी उससे ज़रूरी है, पर हम खुद को दबा नहीं सकते पूरी तरह से। तो इसलिए हमें इस तरह से सेवा करनी है कि जो ज़्यादा हमको परेशानी ना हो। बार बार अगर कुछ मतभेद हो रहे हैं, बार बार हमें भावना के रूप में ठेस पहुँच रही है, तो थोड़े दूरी रख के फिर हम भक्ति कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, आई गौर प्रेमानंदी। हाईली एनालिटिकल लेक्चर रहता है, हाईली मतलब